नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश की राजनीति में अक्सर नए नाम जब सामने आते हैं तो सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो जाती हैं। प्रदेश में चर्चाओं का बाजार इसलिए इस वक्त गर्म है क्योंकि सियासत में पहले कांग्रेस और अब भाजपा का दामन थाम चुके दिग्गज नेता और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारमन की एंट्री हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया को JDCA यानी कि ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। संस्था या संगठन का पहले एक पद की जिम्मेदारी आर्यमन सिंधिया को दे दी गई है। माना जा रहा है कि इस पद के साथ आर्यमन राजनीति में दस्तक दे चुके हैं। साथ ही यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पद के साथ आर्यमन सियासी गलियारों में कदम रखने वाले हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी और महारमन की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काफी चर्चाओं में थी। इस तस्वीर में देखा गया कि सिंधिया जहां अपने दोनों हाथ आगे किए प्रधानमंत्री मोदी से थोड़ी दूर है तो वहीं महारमन बगल में कंधे से कंधा सटाए हुए खड़े हैं। अब राजनीति में तस्वीरें वायरल होने का मतलब है कि कई तरह की बातें होंगी। महारमन की अब एंट्री हो चुकी है। बात करें अगर महारमन की उपाध्यक्ष पद की लेकर तो 27 मार्च को JDCA की वार्षिक आम सभा हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और JDCA अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में बोर्ड की नई कार्यकारिणी को लेकर चर्चा की गई थी। आर्यमन इससे पहले भी अपने पिता के लिए चुनावी सभाओं में प्रचार करते हुए दिख चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पिता माधवराव सिंधिया ने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत क्रिकेट पिच के साथ की थी। अब वह अपने पिता और दादा की तरह ही क्रिकेट पिच से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आर्यमन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहते हैं। आगे अब महारमन का राजनीतिक करियर शुरू हो चुका है तो चर्चाएं चलती रहेंगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।